देखो सवेरा हो गया है, मॉर्निंग चालू है और इतने सारे नाश्ते वहाँ रखे हैं। रवि भैया ने पूरी पूरी जितना उसके पास था वैरायटी सब खरीद ली और अभी क्या करने जा रहे हैं? विदाउट पेस्ट जा रहे हैं ब्रश करने, क्योंकि अपना पेस्ट उसके अंदर रखा है। अरे मेरे वाले बैग में है, इसमें निकाल ले। हम लोग डाइटिंग पे हैं क्या? हम लोग एकदम डाइटिंग पे चल रहे हैं। ये है डाइटिंग फूड ना, डाइटिंग का टेस्ट लेना है। जी वाला देखेगा तो क्या कहेगा वीडियो? दोस्ती हम लोग कल से नहीं जा रहे हैं। कभी मत आना। हम लोग का चार्ज मेंबरशिप कैंसिल। कितना दौड़ाएगा सुजी कार्डियो पे? बस कुछ देर में स्टेशन आने वाला अपना, थोड़ा बहुत पैकिंग के साथ रेडी। यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट जो भी हो रही है सब बंगाली में हो रही है और ज़्यादातर जो लिखे हुए हैं वो भी सब बंगाली है। तो अपने दुबे जी का फेवरेट। अभी चलो निकलते हैं बाहर पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ अभी कंफ्यूजन चल रहा है जाना किधर से। ये मिला स्टेप सीढ़ी, तो चलो चलते हैं एक बार बाहर, फिर आपको बताते हैं। बाहर दो कैसे दुकानें हैं, नीचे बिल्डर बिछाने वाले जो आप वेटिंग करते हो अगर बाहर, और दुकानें देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं देख के, छोटे छोटे हट। और कुछ इसी टाइप की दुकानें शायद अपने बनारस में आने वाली हैं जो अब स्टेशन के बाहर है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और कितने सिस्टमेटिक है, गंदा नहीं है। दो किसी भी दुकान के आगे आपको गंदगी नहीं दिखेगी, ये काफ़ी अच्छा है। नहीं सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। और एक चीज़ देखो, यहाँ जो पीछे है पूरा ट्री लगी हुई है, पूरी ग्रीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अपने ये देखो दुकानें कितनी अच्छी अच्छी बनी हैं, मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? अभी जाना है कॉस्मोस मॉल, वहाँ से हम लोग लेंगे स्कूटी रेंट पे और फिर उसको लेकर हम लोग निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। पे बोर्ड है न्यू जलपाईगुड़ी का और ये देखो दुकाने का शेप कितना अच्छा अच्छा है, पूरा हट के तरीके से। और इधर जो पेड़ है ये देखो पूरे बहुत अच्छा है, और वहाँ पे इंडियन फ्लैग काफ़ी मस्त लग रहा है। इंडियन फ्लैग आजकल हर जगह लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं नहीं, और काफ़ी बड़े में होते हैं वो। तो जैसे देखो अपने पीछे इंडियन फ्लैग उधर लहर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्कूटी के लिए, हम लोग ले रहे हैं स्कूटी रेंट पर, फिर स्कूटी से जाएंगे हम लोग दार्जिलिंग, है ना। स्कूटी से दार्जिलिंग एक अलग ही मजा है। तो अपने पीछे देखो बोर्ड दिख रहा है आपको। तो चलो अब यहाँ से हम लोग लेंगे ऑटो और चलेंगे अपना जहाँ स्कूटी का है उसके पास, फिर आपको दिखाते हैं। पहले ऑटो करते हैं फिर आपसे बात करते हैं।
जहाँ से हम लोग को लेनी है रेंट पे, वहाँ हम लोग आ चुके हैं। तो ये है बाइक किराया। तो अभी एक बार दिखाएंगे आपको शॉप के अंदर। सबका स्टिकर, सबके क्लबों का। इस बार हम लोग अपना लेकर नहीं, तो अपना भी यहीं पर लग जाता है एक स्टिकर। तो ये दो स्कूटी हुई है फाइनल, एक येलो और एक ब्लू। तो ये दो स्कूटी लेके हम लोग चलेंगे आगे। तो कैसी लग रही है देखो, वेस्ट बंगाल 74BG और ये है वेस्ट बंगाल 74BG। ये भी सेम है। तो रेंट पे गाड़ी जब भी लीजिए तो एक उसका वीडियो बना लिया कीजिए और दिखा दिया कीजिए गाड़ी आप किस कंडीशन में ले रहे हैं, किस कंडीशन में वापस करें। क्योंकि ये जो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, उसकी एक बार आपको कंडीशन दिखा देते हैं किस कंडीशन में है। तो आगे देख सकते हो, यहाँ पे गया, यहाँ पे दिखाई गया, हेड लाइट गई है, ये झुका है और लग रहा है जिसने भी चलाया कई बार स्लाइड हुआ है। और लॉक की हालत देखो, थोड़ा सा बाहर ही निकला हुआ है। तो इस टाइप की गाड़ी है और है BS6 नई वाली, और ये उससे ज़्यादा नई है। ये देखो रेसिंग स्ट्रिप, लेकिन हाल वही है सबका। यहाँ यहाँ से कई जगह से स्लाइड हुई है, ये देखो। तो आप अगर कहीं से भी गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो पहले याद रखिए कि उसका वीडियो बनाइए और दिखा दीजिए कि हम इस हालत में लिए हैं और इस हालत में वापस देंगे, नहीं तो इसका भी चार्ज आपसे लग सकता है। चलो एक बार सूखती है गाड़ी, वीडियो बना के इनको हम देते हैं, फिर आगे बात करते हैं आपसे। तो यहाँ से वरना तो निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे बज गया 12:15 और हो गई ये स्कूटी रेडी। और अपने को हेलमेट कौन सा मिला, ये देखो कितना स्क्रैच है। इस शीशे से किसको दिखेगा? आपको दिखेगा, हम टेप मार देंगे। हमको तो नहीं दिखेगा। और ये मिला रवि का हेलमेट। खेला हो गया इनके साथ। तो अब यहाँ से चला जाए, फाइनली निकले तो हम लोग सही, क्योंकि काफ़ी देर से यहीं खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नेचर चालू हो गया है, ग्रीनरी चालू हो गया है। ये बोर्ड देखो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम का है, और इसकी एक पिक लेके हम डाल देंगे कि आपको दिखे इसमें क्या क्या है। और अभी अपन स्कूटी से देखो तैयार होकर निकल चुके हैं बैग लेके, और दार्जिलिंग में पहुँचते हैं। और दार्जिलिंग के रास्ते में कहीं एक बार चाय पीते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, थोड़ी बात करते हैं और थोड़ी फ़ोटोज़ लेंगे। चलो तब तक इन्जॉय करो म्यूज़िक के साथ, थोड़ी सिनेमैटिक। चलो मिलते हैं।